Good morning class. So here we are in continuation of our chapter number 6 that is acids, bases and salt, right? So let's begin the today's session. Just have a quick recap on the previous class. So in previous class we have studied that acids are sour in taste and the substances which contain acids in them they are called

acidic nor basic right so we can say that the solution which do not change the color with any of the indicators are known as neutral solutions these substances are neither acidic nor basic right so let's begin with today's content so today we are going to study about some natural indicators around us सो so, बच्चे जैसा कि हमने लास्ट क्लास में हल्का सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको दिया था कि इंडिकेटर्स जो होते हैं वो नेचुरल भी होते हैं और मैनमेड भी होते हैं सो इन टूडे सेशन वी विल ओनली लर्न अबाउट द नेचुरल इंडिकेटर्स सो द फर्स्ट इंडिकेटर विच इज नेचुरल इन नेचर इज लिटमस ठीक है बच्चे लिटमस क्या होता है एक तरीके की नेचुरल डाई होती है एक, एक तरीके का नेचुरल कलर होता है सो so, ये जो लिस्टिटमस है वो आजकल के टाइम में सबसे ज्यादा यूज होने वाला इंडिकेटर है इट इज एक्टार्टेड फ्रॉम बच्चे lequins हमने लास्ट क्लास में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में राइट right? जिसमें दो ऑर्गेनिज्म होते हैं अलगी एंड फंगस दे बोथ आर लिविंग विद ईच अदर फॉर ईच अदर बेनिफिट ठीक है उनका जो एसोसिएशन होता है उसको हम लीचेंस बोलते हैं तो ये जो लिटमस uh, डाय होती है ये हमें लीचन से मिलती है जो लीचन का ओरिजिनल जो लिटमस का ओरिजिनल कलर होता है वो लाइट पर्वल दैट इज मूव कलर जो होता है वो होता है डिस्टिल्ड वाटर में डिस्टिल्ड वाटर मीन्स प्योर वाटर विच इज नॉट फिट फॉर फिट फॉर ड्रिंकिंग एज इट डज नॉट कंटेन एनी मिनरल्स इन इट इट इज ओनली सुटेबल फॉर साइंटिफिक पर्पज राइट So, जो लिटमस होता है उसका ओरिजिनल कलर मूव होता है लेकिन अगर हम किसी भी अगर हम लिटमस को किसी भी एसिडिक सोलूशन में डालते हैं तो वो अपना कलर चेंज कर लेता है रेड में जैसे ही उसने अपना कलर रेड में चेंज किया इट मींस दैट गिवन मीनसटे एसिडिक इन नेचर राइट और अगर हम लिटमस पेपर को या लिटमस डाई को किसी भी बेसिक सोल्यूशन में डालते हैं तो वो अपना अ, कलर चेंज कर लेता है ब्लू में राइट सो इफ द कलर ऑफ द लिटमस गेट्स चेंज ब्लू दैट द गिवन इट मीन द गिवन सब्सटेंस इज बेसिक इन नेचर राइट बच्चे अब देखो ये जो कलर कलर चेंजेस हैं थोड़े से गैप करने में डिफिकल्ट है सो वट आई सपोज यू जस्ट एक थोड़ा सा हिंट देते हैं अब बच्चे देखो जो एसिड्स होते हैं वो बेसिस के और ज्यादा हार्मफुल होते हैं और एसिडिक तो है, right? so, सब्सटेंसेस होते, होते हैं वो लिटमस के साथ रेड कलर देते हैं और राइट right, जैसे बी फॉर बेस एंड बी फॉर ब्लू राइट और जो लिटमस पेपर होता है वो बेसिस के साथ कैसा कलर देता है ब्लू राइट right? बट बच्चे जो कलर चेंज है वो सिर्फ लिटमस इंडिकेटर के लिए ही है बाकी सब इंडिकेटर्स के साथ जो एसिडिक्स और बेसिक सोल्यूशन होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर देते हैं राइट right? सो so, जो लिटमस होता है हमारा इंडिकेटर वो हमें सोल्यूशन की फॉर्म में भी मिलता है पेपर की स्ट्रिप्स की फॉर्म में भी मिलता है जिसे हम क्या बोलते हैं लिटमस पेपर राइट तो जनरली आप क्योंकि मैंने आपको बोला ओरिजिनल कलर तो इसका मूव या पर्पल होता है बट मार्केट में ये हमें रेड कलर में मिलता है और ब्लू कलर में मिलता है राइट right? सो so, अगर रेड वाला ब्लू में चेंज होता है तो गिवन सब्सटेंस ब्लू इन बेसिक इन नेचर और ब्लू वाला अगर रेड में चेंज होता है तो दैट द गिवन सब्सटेंसिस एसिडिक इन नेचर राइट सो लेट प्रोसीड फॉर आर नेक्स्ट इंडिकेटर दैट इज टर्मरिक टर्मरिक बच्चे बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है इंडिकेटर का जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया था टर्मरिक के बारे में ठीक है टर्मरिक क्या होती है हल्दी जो कि हम अपने खाने में हमेशा ही यूज करते हैं मोस्ट ऑफ दी चीजों में हल्दी जाती ही जाती है सो so, जो टर्मरिक होती है वो एसिडिक चीजों के साथ बच्चे अपना कलर हल्का सा लाइट येलो में कन्वर्ट कर लेती है मीन्स जो उसका ओरिजिनल कलर होता है वो थोड़ा सा डार्क येलो होता है बट इट चेंजेस टू लाइट येलो कलर विद एसिडिक सोल्यूशंस एंड चेंजेस टू रेड कलर इन बेसिक मीडियम राइट जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल uh, दिया था लास्ट टाइम कि uh, आप लोग किसी भी लाइट कलर के कपड़े पे टर्मरिक लगाए एंड देन अप्लाय सम एनी वॉशिंग सोप और वॉशिंग डिटर्जेंट पाउडर ऑन इट सो इट विल गेट कन्वर्टेड इन टू रेड जेंट पिक टेस्ट विद समइंग सबस्टेंसे एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन ठीक है बच्चे आप घर में ही है लॉकडाउन के टाइम पे सेफ रहिये और घर से बाहर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है इनमें से जो भी चीज आपके पास घर में अवेलेबल है उन्हीं के साथ टेस्ट करके देखिए इसके अलावा बाहर से कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है राइट सो फर्स्ट इज लेमन जूस नींबू का रस जो होता है इट सिट्रिक एसिड इन इट सो टेस्ट विनेगर टेस्ट टर्मरिक फॉर इट देन विनेगर इट कंटेन विनेगर मी सिरका इट कंटेन्स एसिटिक एसिड बेकिंग सोडा विच कंटेन्स अ टाइप ऑफ बेस सोडियम बाय कार्बोनेट शुगर कॉमन सॉल्ट इनके साथ जो है वो आपका जो टर्मरिक होगा वो एज सच कोई भी कलर चेंज नहीं देगा बिकॉज बिकॉज़ आर न्यूट्रल सब्सटेंसेस दे आर नीदर एसिडिक नॉर बेसिक और बच्चे जब भी आप टर्मरिक टेस्ट कर रहे हैं जस्ट कीप इन माइंड ऑल सब्सटेंसेस शुड बी इन सोल्यूशन फॉर्म मीन्स आप इनको डाइल्यूट कर लोगे वॉटर के साथ

इंडिकेटर कैसे बन सकता है सो फूल तो हम क्या करते हैं कलेक्ट सम चाइना रोज पेटल्स एंड प्लेस देम इन बीकर किसी भी बर्तन में उसे रख दीजिए उसके अंदर थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करिए उसको थोड़ी देर के लिए एज इट इज छोड़ दीजिए जब तक आपका जो पानी है उसमें कलर नहीं आ जाता जब उस पानी में कलर आ जाएगा तो यू कैन यूज इट एज इंडिकेटर राइट सो दिस इज द कंटेंट टूडे आफ्टर दिस सो जस्ट है बस इतना सा ही पढ़ा कि कौन सा इंडिकेटर एसेटिक और बेसिक सोलूशन के साथ कौन कौन से कलर हमें देता है राइट सो लिटमस पेपर जो होता है वो ब्लू टर्न होता है बेसिक चीजों के साथ और रेड चेंज होता है एसिडिक चीजों के साथ टर्मरिक टर्नस रेड विथ बेसिक सोलूशन एंड पेल येलो इन एसिडिक सोलूशन Pale yellow means light yellow, right? China rose indicator, green with basic solutions and dark pink in acidic solution, right? So, bache, next class maybe we will learn some another topic. So, for today, thank you so much everyone.